बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। करीबन बोल सकते कि 1 month या फिर 2 month हो चुका, वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। कुछ कारण नहीं था, बट सिर्फ मूड नहीं हो रहा था। बट अभी एकदम मूड सेट हो चुका है, अभी आएंगे रेगुलर वीडियोज। हर टाइम बोलता हूँ रेगुलर वीडियोज आएंगे, बट नहीं, अभी आएंगे रेगुलर वीडियोज। तो आज के वीडियो का कंटेंट भी मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि मज़ेदार होने वाला, क्योंकि मुझे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और आपको भी कुछ नया देखना है। तो ये है एक्सपेरिमेंट वीडियो। सो आज के वीडियो में ना देखा जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि ना मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ। हर टाइम मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करता है, एंड डायरेक्टली मैं वीडियो में ट्राई कर लेता और वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। बट आज मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट ठीक है, शूट कर लेते वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी फ़ोन केस बनाए, बहुत सारे मैंने फ़ोन केसेस पे आर्टवर्क बनाए, जैसे कि हल्क वाला या फिर कुछ मैंने हेडफोन पे बनाया, अलग अलग चीज़ों पे मैंने आर्टवर्क बनाया। बट ये जो आर्टवर्क होने वाला थोड़ा डिफरेंट होने वाला, जब मैं फ़ोन केस पे आर्टवर्क बनाता हूँ एंड देन जो आर्टवर्क है ना फील होता है हाथ में, जो भी ब्रशेस के स्ट्रोक्स होते हैं या फिर जो भी कलर है पीछे ऐसा हाथ ऐसा मूव करने के लिए, एकदम प्लेन नहीं लगता है। जो भी आप आर्टवर्क देखते हो ना अपने ड्राॅइंग बुक पे, या फिर वो कैसे प्लेन हो जाते हैं, एंड इस पर प्लेन नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि ये ट्रांसपेरेंट केस यूज़ किया जाए। मैंने फर्स्ट मैंने जो ट्रांसपेरेंट केस यूज़ किया था वो रबरिश वाला था, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल था। ये जो है ना केस एकदम टफ केस है। तो मैं क्या करूँगा ना, जो केस के इनसाइड वाला जो पोर्शन रहता है वहाँ पे मैं अपना आर्टवर्क बनाऊंगा। ट्रांसपेरेंट है तो अंदर बनाऊंगा तो बाहर से दिखेगा ही, प्लान तो यही है। सो मुझे तो लगता है 100% सक्सेसफुल होगा। तो क्या करते कि अपना जो आर्टवर्क है एक्सपेरिमेंट वाला आर्टवर्क वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ना एक जो चीज़ है वो ये जो प्रोटेक्शन है इसके निकालने का, ये जो प्रोटेक्शन, ओके तो ये जो प्रोटेक्शन देते हैं वो इसके लिए देते हैं कि जो भी स्क्रैचेज है वो ना आए, इसके लिए प्रोटेक्शन ये होती है। सो मैंने इस प्रोटेक्शन को निकाल दिया एंड अभी ये बहुत ही एकदम शाइनी और बहुत ही खूबसूरत हो गया, और ये बहुत ही टफ केस है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड अपना आर्टवर्क जो है शुरू करते हैं। Thank you.
और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पेंटिंग है, कैनवस पेंटिंग, उसका मैं कुछ फोटोज बता रहा था आपको, मैंने स्क्रीनशॉट खींचे, वो बैकग्राउंड ये जो दिख रहा है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, सो ये आई थिंक से दिख रहा नहीं है यहाँ पे, ओके सो ये पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, ये ना इसका जो बैकग्राउंड का टेक्सचर है ना वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सो एक थोड़ा क्रेजी वाला लुक आएगा। स्पेसशिप तो बना लिया, पूरा स्पेसशिप से पूरा डूडल नीचे आ रहा है ऐसा कुछ क्रेजी, यहाँ पे बीच में नाम है, यहाँ पे ये आर्टवर्क होगा, थोड़ा अलग ही मतलब बोल सकते हैं एकदम क्रेजी लगेगा एकदम। आर्टवर्क है वो रेडी हो चुका है, ये रहा यहाँ पे, आपने बीरोज तो देख ही लिया। सो आर्टवर्क डिफिकल्ट था बनाने के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ बना रहा था, वर्क के इनसाइड पेंट करना फर्स्ट टाइम था, और आर्टवर्क को देख के बोल सकते हैं कि 50-50 बना, लाइक मुझे जो चाहिए था वो बना नहीं, बट या फर्स्ट ट्राई के लिए अच्छा है, देखते अभी नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ट्राई करूँगा तो थोड़ा और डिटेलिंग ऐड अप करूँगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगा और आपके सामने एक अच्छा आर्टवर्क लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो में इतना ही रखा है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आर्टवर्क कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और बहुत लोग बोलते हैं कि डिजिटल पेंटिंग का बने, डिजिटल पेंटिंग जरूर आएगी क्योंकि थोड़ी बहुत सी प्रैक्टिस चल रही है डिजिटल पेंटिंग के बारे में, वो आएगा जरूर और मज़ा आएगा आपको देखने के लिए। सो बाय बाय, ठीक है, और रेगुलर वीडियोज़ जरूर आएंगे।